हुए सड़क हादसे में महिला इंस्पेक्टर व उसके भतीजे की मौत हो गई। महिला इंस्पेक्टर को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ और बूढ़ा भतीजे की मौत हो गई। इंस्पेक्टर महिला का शव गांव पहुंचा, घर में चीख पुकार मच गई। इंदरगढ़ कस्बा में दोपहर इंस्पेक्टर महिला का शव घर पहुंचा, जानकारी होते ही सुबह से लोगों घर का तांता लग गया, घर परिवार में चीख पुकार मच गई। एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में इंस्पेक्टर महिला की जान चली गई। सड़क हादसे में बुआ भतीजे की मौत हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर शाम सड़क हादसे में महिला इंस्पेक्टर उनके भतीजे की मौत हो गई। महिला इंस्पेक्टर ट्रांसफर होने के बाद मथुरा से कानपुर चार्ज लेने जा रही थी, जैसे ही कन्नौज की ओर बढ़ रही थी तभी आगे चल रहे वाहन से कार टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज सैफई भिजवाया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना लगते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। कस्बा निवासी उपासना यादव उम्र 40 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय विपिन यादव मथुरा में इंस्पेक्टर पद पर तैनात थी। मथुरा से उनका स्थानांतरण कानपुर नगर के लिए हुआ था। कानपुर चार्ज लेने के लिए वहां से निकली थी। मैनपुरी के पास पहुंचते ही सड़क हादसे में जान चली गई। महिला इंस्पेक्टर की शादी 2.5 साल पहले विपिन यादव से हुई थी। शादी के 1 साल बाद बीमारी के चलते उनके पति की मौत हो गई। आज उपासना की मौत के बाद घर में मातम छा गया। रामराज राजपूत, कन्नौज, समाचार 24। लखनऊ।